हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑल माय डाउट्स पर। चलिए 2A शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। अभ्यास 2 सबसे पहला है ए पी पावर एम गुणे ए पी पावर एन बराबर क्या होगा। बेस बराबर है तो पहले बेस ले लेते हैं, ऊपर एम प्लस एन। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र हो गया आधा 3 है तो घातांक 6 6 और 5 है तो आधार हम लिख लेते हैं। आधार बराबर है तो आधार लिख लेंगे ऐसे और 6 और 5 जुड़ जाएगा। 6 प्लस 5 बराबर 3 6 5 11 ये हो गया। दूसरा सवाल है, दूसरा सूत्र है ए एम भागे ए एन। इसका आधार बराबर है तो आधार लिख लेते हैं और फिर घातांक अलग है तो एम माइनस एन। इस पर एक सूत्र ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। 5 पे पावर 9 भागे 5 पे पावर घातांक कितना है? 4 है। आधार इसका बराबर सेम है तो आधार ऐसे लिख लेते हैं और 9 माइनस 4 कर देते हैं। 9 माइनस 4 नौ में से 4 गया 5 हो गया। दूसरा सवाल, तीसरा सूत्र है ए एम इंटू पावर एन बराबर ए पे एम इंटू एन हो जाएगा। एम एन एम एन हो जाएगा। इस पर सवाल ले लेते हैं 5 5 पे पावर 3 2 2 हो गया। अब देखो जैसे आधार था ए, 5 जैसे लिख देते हैं, 3 2 6 हो गया। चौथा सूत्र देखते हैं, चौथा सूत्र है ए पे पावर एम गुणे बी पे पावर एम। अब इसका देखिए आधार बराबर नहीं है, इसका घातांक बराबर है तो कैसे लिखेंगे? ए बी छोटा कोष्ट इस पे पावर एम। इस पे सूत्र लेते हैं 5 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 3। अब इसका देखिए घातांक बराबर है और आधार सेम नहीं है तो 5 2 10 5 2 10 3 3 का ये 3 3 है तो ये 3 लिख देते हैं बस। चौथा पांचवा सूत्र है ए पे पावर एम भागे बी पे पावर एम। इसको किस तरह लिखते हैं? भाग में है तो इसको हम इसी तरह लिखते हैं ए पे ए बटे बी पावर एम घातांक एम। अब ये इसका सवाल है 5 पे घातांक 3 भागे 2 पे घातांक 3 इसको लिखते हैं 5 बटे 2 2 घातांक 3 इस तरह लिख सकते हैं। पाँचवा छठिया सूत्र है ए पे पावर 0 बराबर 1 ये कैसे होगा? देखिए 5 पे पावर 3 बटे 5 पे पावर 3 देखिए इसका के आधार भी बराबर है घातांक भी सेम है तो 5 पे पावर 3 माइनस 3 बराबर 3 से 3 0 5 और 0 का मान कितना होता है? अगर घातांक के ऊपर 0 लगाया तो उसका मान 1 होता है, ये याद रखिएगा। सातवां सूत्र है -1 जो ये सम है इसका मान कितना होगा? 1 होगा जो सम संख्या रहेगा। आठवां सवाल है, आठवां सूत्र है -1 विषम जो है इसका मान कितना होगा? इसका -1 विषम होगा। अब देखते हैं अभ्यास के बारे में। पहला प्रश्न है -2/3 पावर 5 का मान, तो ये घातांक पूछ रहा है ना, घातांक पूछ रहा है तो कितना 2 पावर -2/3 गुणे -2/3 ये 5 बार ऐसे लिखते चले जाना। -2/3 गुणे -2/3 बराबर 1 2 3 4 5 2 2 4 2 8 2 16 16 2 9 32 -22 91 91 3 243
इसमें आंसर कौन है, माइनस 32,200, ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि 3125 का घातीय संकेत क्या है, तो इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 3125 को हम एलसीएम निकालेंगे 2 से, पहले 5 से निकाल देते हैं, 5 से 5 36 दूनी 10 25 5 से 5 करने 5 5 दूनी 10 55 25 5 दूनी 10 55 25 55 25 5 करने 5 कितना हुआ, 5 करने 5 ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 5 पे पावर 5, 5 पे घातांक 5, आंसर पहला। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, दो की घात 7 का मान है, तो 2 की पावर घात ये है, 2 की पावर घात क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 7 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 × 2 बराबर कितना हुआ, 2 × 2 = 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 64 × 128 हो गया। अब प्रश्न नंबर चौथा, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखें। ये क्या है, वर्गाकार की भुजा कितना है, ये है वर्गाकार, ठीक है, कितना मीटर है, भुजा कितना है इसका 5, अब भुजा एक है तो ये भी 5, भुजा 5 है, 5 है, ठीक है। ये क्या बोले, इसके क्षेत्रफल की घातीय संकेत निकले, तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसमें भुजा को कितना दिया, 5 दिया, तो 5 का पावर 2 ये हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 5 सरल कीजिए, पहला सवाल है 2 पे पावर 4 × 3 पे पावर 2, इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 दो पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे, 3 पे पावर 2 है तो 3 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 2 × 2 = 4 × 8 × 16 × 3 = 9 16 × 9 = 144 ये हो गया आंसर। दूसरा सवाल है −2 पे पावर 3 × −10 पे पावर 2 −2 × −2 × −2 तीन बार लिखना है इसको, इसको 3 है तो 3 बार लिखना, −10 × −10 × −10 2 × 2 = 8 −8 × −10 = 20 10 × 100 देंगे 1000 माइनस माइनस कर गया तो कितना हो गया, 8000 हो गया, हो गया आंसर। प्रश्न नंबर छठा, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, 15625 को आधार, ये आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 15625 5 से काटते हैं, 5 3 15 5 × 5 5 × 2 = 10 फिर 55 5 × 36 5 × 2 = 10 55 5 × 5 5 × 2 = 10 55 5 × 2 = 10 फिर 55 5 से 55 25 फिर 5 से 5 × 5 अभी 15625 बराबर, ये सब लिख लेते हैं, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 5 × 5 5 × 5 4 5 × 5 6 बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 कितना है, ये क्या दे रहे हैं, आधार कितना है 5 और घातांक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गया आंसर।